अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2018, पेपर 2 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन है ये, और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी प्लस सर्कल प्रॉपर्टीज। तो दो कॉन्सेप्ट जो है उसने एक ही सवाल में पूछे हैं। तो इस क्वेश्चन के सेवरल पार्ट्स हैं, बारी बारी हर पार्ट के सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आएगा इंशाल्लाह। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। असल में कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी को जो है ना वो मिक्स कर देता है वो सर्कल प्रॉपर्टीज़ के साथ ना, तो क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वो फिर जब ये कहता है कि भाई अपने आंसर जो है वो एक्स की फॉर्म में लिखो, सर्टेन एंगल्स तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो सवाल काफ़ी जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सवाल भी जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आराम आराम से तुम लोग को समझाऊँ। सो ये सॉल्व हुआ है पहले से, इसका सब सोल्यूशन हमें डिस्कस करना है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। द क्वेश्चन सेज ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सेंटर ओ। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी सी और डी, ये जो चार पॉइंट्स हैं ये सर्कमफेरेंस पे है। तो इसका मतलब है सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स हैं, तो सर्कल प्रॉपर्टीज जो है ना वो भी यहाँ यूज़ होने वाली हैं, तो उनको भी हमें जो है ना अपने जहन में रखना है। प्लस आगे कह रहा है टी ए एंड टी सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब ये जो टी पॉइंट है ना, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल से बाहर है। यहाँ से उसने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, जो कि टी ए एक टेंजेंट है और टी सी जो है वो दो टेंजेंट है। तो हमें पता है कि भाई सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है ना ये बिल्कुल बराबर होगी। उसने यही चीज़ हमें बता दी कि भाई टी ए और टी सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल है, लेकिन ये नहीं बताया ये दोनों इक्वल हैं। ये तो हमें पता है, हमें कैसे पता है, क्योंकि हमें सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पता है। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कहती है कि अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट लो और उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करो, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो आपके सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच होके गुजर जाएगी। ठीक है, सर्कल के अंदर से नहीं गुजरेगी, उसको कट नहीं करेगी, वो सिर्फ एक जो सर्कमफेरेंस में पॉइंट होगा उसको टच होके गुजर जाएगी। तो ये टी ए भी टेंजेंट है और टी सी भी टेंजेंट है, और अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ इसने क्वेश्चन में नहीं बताई, ये मैंने जो है वो अपनी मतलब जो नॉलेज है उससे मैंने जो है वो अपने जहन में ये चीज़ रख ली, हो सकता है ये मुझे आगे यूज़ करनी पड़े। आगे कह रहा है टी डी ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये टी डी ओ बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है बिल्कुल। और फर्दर इन्फॉर्मेशन है ए टी ओ एंगल जो है ना वो एक्स डिग्रीज है, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है आपको। हमसे कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ओ ए टी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी टी। अब ये देखते हैं कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। पहला ट्राइंगल है ओ ए टी, ओ ए टी मतलब ओ से शुरू हो रहा है, ए पे जा रहा है और टी पे, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। कह रहा है ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट है, और आपको जो है ना वो गिव अ रीज़न फॉर ईच ऑफ योर स्टेटमेंट यू मेक। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से, फॉर्मेट से, तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। जो जो चीज़ आप बता रहे हो उसका रीज़न आपको लिखना है कि भाई वो कैसे इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंस सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आ गया। कॉन्ग्रेंट का टेस्ट हमें यहाँ समझ में आना चाहिए कि भाई उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखते हैं उसको। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है। देखो, हमें पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल्स, क्योंकि वो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये बात जो है वो बताई जाती है कि भाई ये जो दो ट्राइंगल्स होते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये रेडियस है, ये जो ओ ए है ये ओ सी के बराबर है, ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर होंगे। और ये जो लाइन टी ओ है ना ये तो कॉमन लाइन है, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, मुझे पता है। बस मुझे इसको प्रूव करना है, मुझे इसका फॉर्मेट लिखना है कि भाई कौन सा टेस्ट जो है ना मुझे सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब एक तो ये हो सकता है कि आप इसको साइड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने कर दिया, भाई तीनों साइड जो है वो तीनों साइड्स के बराबर है ना, ये टी ओ तो कॉमन साइड है तो ये तो डेफिनेटली बराबर होगी, टी ए जो है वो टी सी के बराबर है, और ए ओ रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, तो सर्कल का रेडियस तो कॉन्स्टेंट होता है, तो ये साइड से भी आपका जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है ये मैंने जो है वो मार्किंग की से उठाया ये इमेज, तो इसको देख लेते हैं कि इन्होंने जो है वो हमें क्या बताने की कोशिश की है, ये कैसे उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ये लिखा कि भाई इस ये जो ट्राइंगल्स हैं दो ओ ए टी और ओ सी टी, इसमें ये कह रहे हैं कि ये वाले जो एंगल्स हैं ना दोनों, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट और रेडियस जब मिलेंगे 90 डिग्री बनेगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, इसका मतलब है इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब है कि मैं सिर्फ या एक टेस्ट यूज कर सकता हूँ, वो है राइट एंगल वाला, जिसको मैं कहता हूँ RHS। RHS मतलब R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज और S फॉर साइड। ठीक है, तो राइट एंगल एक एक तो बराबर हो गया,
अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो टी ओ तो कॉमन साइड है, ये तो दोनों ट्राइंगल्स में, तो इसका मतलब ये तो इक्वल हो गई होगी। तो राइट एंगल भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी दोनों की इक्वल है, और ये ओ ए और ओ सी रेडियस है, तो ये भी डेफिनेटली दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू आर एच एस। ठीक है, अब देखो मैंने रीजन कैसे लिखा, मैंने रीजन लिखा एंगल टी ए ओ, टी ए ओ मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल टी सी ओ। ठीक है, टी सी ओ मतलब ये वाला एंगल, ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा, वो ना आपको यहाँ भी हिंट दे देता है कि ऑर्डर क्या रखना है। ओ को ओ से बराबर करना है, ए को ए से, ए को सी से बराबर करना है, और टी को टी से बराबर करना है। उसने आपको यहाँ पहले से पेयर बना के दे दिया, तो अब देखो तुमने यहाँ लिखा है टी ए ओ, तो अब तुम आगे क्या लिखोगे। देखो टी को किससे इक्वेट करना है, तुम्हें टी से करना है, तो पहले टी आएगा। ए को किसके साथ पेयर करना था, ए को सी के साथ पेयर करना था, तो फिर सी आएगा। और फिर आखिर में ये ओ को किसके साथ पेयर करना था, ओ के साथ, तो आखिर में ओ आएगा। तो ये पेयर तुम यहाँ से भी देख के बना सकते हो। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। कह रहा है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, फिर कह रहा है ए ओ एंड सी ओ इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं सर्कल के, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, और अगर सर्कल एक है तो उसका रेडियस भी सेम होगा, और टी ओ जो है ना वो कॉमन साइड है दोनों में, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू आर एच एस। हम इसको साइड 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 से भी कर सकते थे, क्योंकि ये जो टी सी साइड है ये टी ए के बराबर है। ठीक है, टी ओ जो है वो कॉमन साइड है, तो ये भी बिल्कुल बराबर होगी, और ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, तो तीनों साइड्स के बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इसमें से कोई भी टेस्ट यूज कर सकते थे, बस आपको रीजन लिखना था, आपको मार्क्स जो है वो इसके मिल जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। अच्छा, एक चीज और देख लेना कि भाई कांग्रेस और जो सिमिलैरिटी के टेस्ट होते हैं ना, वो अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो आपके पास लाजमी जो है ना पेपर टू में पूछे जाएंगे, अगर पेपर वन में वो नहीं आए तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स गिविंग योर आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल। हमें एक्स की फॉर्म में अपना आंसर देना है, और हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ टी। एंगल ए ओ टी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, एंगल ए ओ टी। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल ए ओ टी, और हमें इसको एक्स की फॉर्म में लिखना है एज सिंपल एज पॉसिबल। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ये पूरा यहाँ तक होगा ना, ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ एंगल ए ओ टी, सॉरी ट्राइंगल जो है वो, अगर मैं ये वाले की बात करूँ ओ ए टी वाले की, तो मुझे पता है इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल एक्स है, तो मैं तीसरा एंगल बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि तीनों का सम कितना होता है 180, तो मैं क्या करूँगा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एक्स प्लस 90, क्योंकि इसका एक एंगल एक्स है, एक एंगल इसका 90 है, मुझे तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तीनों का सम 180 होता है, तो मैंने 180 में से माइनस कर दिया बाकी दो का सम जो कि एक्स और 90 है, तो एक्स प्लस 90 हो गया। 180 एज इट इज, ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 90 हो जाएगा। 180 में से जब मैं 90 माइनस करूंगा तो 90 आ जाएगा, और ये माइनस एक्स ऐसी, तो मेरा जो एंगल ए ओ टी आ गया दैट इज कमिंग आउट एज 90 माइनस एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया, और एज सिंपल एज पॉसिबल आ गया। मैं इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकता। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है एंगल ओ ए बी। एंगल ओ ए बी कौन सा है, ओ ए बी, इसका भी कलर चेंज करके चेक कर लेते हैं कौन सा एंगल है। एंगल ए ओ बी जो है वो ये वाला है, ओ से शुरू हो रहा है, ए पे जा रहा है और बी पे जा रहा है, मतलब ये इस वाले ट्राइंगल का है। ओ ए बी जो ट्राइंगल है, ओ ए बी ट्राइंगल जो है ना, ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें दो साइड्स रेडियस है, ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो इसका मतलब है ये आइसोसेलस ट्राइंगल है। आइसोसेलस ट्राइंगल में जो दो साइड सेम होती है, उनके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो जो ये एंगल ए ओ बी होगा ना, वही एंगल ओ बी ए बी होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। दिस ट्राइंगल ए ओ बी या ओ ए बी बोल लो, ये ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो साइड जो है वो इक्वल है, ये ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल है। अच्छा, अब इसका मुझे एक एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए बड़ी आसान सी चीज़ है, ये वाला एंगल मुझे पता है, ग्रीन वाला एंगल जो है ना, दिस इज 90 माइनस एक्स। तो अगर ये 90 माइनस एक्स है, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंप्लीट एंगल होता है ये 180 होता है, तो मैं काम ये कर लेता हूँ, वह 180 में से 90 माइनस एक्स कर लेता हूँ, क्या 180 में से माइनस कर लिया 90 माइनस एक्स, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 180 माइनस 90 बचेगा, और ये माइनस और माइनस जो है ना ये प्लस होके प्लस एक्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 प्लस एक्स हो गया, ये वाला जो एंगल है ये 90 प्लस एक्स हो गया,
अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मुझे पता है भाई ये दोनों तो इक्वल होंगे, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को वाई वाई ले लेता हूँ, ठीक है, इसको भी वाई ले लेता हूँ और इसको भी वाई ले लेता हूँ, तो ये किस तरह बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा 180 इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो सम है वो 180 के बराबर है, ये एंगल भी वाई है तो ये हो जाएगा वाई प्लस, नीचे वाला भी वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा वाई प्लस वाई, और ऊपर वाला कितना है 90 प्लस एक्स, तो ये 90 प्लस एक्स हो गया। अब मुझे वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो गया 90 प्लस एक्स हो गया, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वाई और वाई जो है ना ये 2y हो जाएंगे, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इन दोनों को ना वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये जो प्लस 90 है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 90, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90, ये 90 हो गया। अच्छा, और ये है प्लस एक्स, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y, यहाँ क्या आ जाएगा 2y, मैं 2y लिख देता हूँ। चलो, अब चूंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता हूँ इस 2 को शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, जब ये शिफ्ट दूसरी साइड पे होगा y, तो मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये 2 जब जाएगा तो ये दोनों के साइड जाएगा, ये 90 के नीचे भी जाएगा और ये x के नीचे भी जाएगा, तो जब 90 के नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 45 और फिर ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये इसकी सॉल्विंग हो गई पूरा, ये इस तरह मैंने जो है वो अपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो बस 9 ये हो गया 45 माइनस एक्स अपॉन 2, तो मैं इसको 90 माइनस एक्स और पूरे के नीचे भी 2 लिख सकते थे, वो आंसर भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता। देखो मैंने भी यही वाला आंसर लिखा हुआ है 45 माइनस एक्स अपॉन 2, ये भी मेरा आंसर यही आ गया बिल्कुल, ये मैंने यहाँ स्टेप मिस किया है, डायरेक्ट सॉल्व किया है, तो मैंने यहाँ जो है उसकी वर्किंग साफ साफ क्लियरली तुम लोग के सामने कर दी। अब थर्ड पार्ट में उससे कह रहा है, थर्ड पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल ADC। अब ये रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180, और इसको ये जो है ना ये बाहर का एंगल होता है, तो ADC जो है ना ये छोटा वाला एंगल है, ये वाला, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि जो है वो फिगर समझ में आए। रिफ्लेक्स एंगल ADC का मतलब हो गया कि जो ADC एंगल है ना उसके बाहर वाले एंगल की बात कर रहा है ये, ADC तो ये वाला एंगल है, लेकिन मुझे अगर वो कहता ना एंगल ADC तो मैं ये वाला फाइंड करता, लेकिन उसने अभी बोला है मुझे रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है 180 से बड़ा, तो रिफ्लेक्स का मतलब है कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए बाहर वाला पूरा, ठीक है, ADC के बाहर वाला एंगल चाहिए, मतलब अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं 360 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, तो अब मुझे इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी कि भाई ये ADC कैसे आएगा, तो ADC के लिए जो है मैं काम ये करता हूँ कि मेरे पास मैं इसको सर्कल प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ, ADC को सर्कल प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके लिए कैसे करूँगा, देखो मेरे पास ये ग्रीन वाला एंगल है, ये ग्रीन वाला एंगल जो है ना ये 90 माइनस एक्स है, अगर ये 90 माइनस एक्स होगा तो ये वाला भी 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है, ये पूरा एंगल हो जाएगा 2 times, मैं यहाँ तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ, 2 times 90 माइनस एक्स, और से देखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी वर्किंग जो है ना वो ज़्यादा लगती है, ये वाला एंगल जो है ना ये 2 times 90 माइनस एक्स है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम है AOC जो एंगल है ना, ये जो छोटा वाला पार्ट था ये तो मैंने फाइंड किया 90 माइनस एक्स था, एंगल AOT, A से O और T, ये तो एंगल आ रहा है मेरे पास 90 माइनस एक्स, लेकिन मुझे ये पूरा एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने क्या किया इसको डबल कर दिया, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल होंगे, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज कहती थी, तो अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स होगा, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया 2 times 90 माइनस एक्स। अब सर्कल प्रॉपर्टीज कहती थी कि एंगल एट द सेंटर इज डबल इज ट्वाइस दैट एंगल एट द सर्कमफेरेंस, तो अगर ये 2 times 90 माइनस एक्स है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये इसका हाफ होगा, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ ये मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ये वाला एंगल पहले फाइंड आउट किया, ये वाला एंगल, ये जो यहाँ बन रहा है, इस एंगल का नाम है AOC। AOC फाइंड करने का रीजन ये है कि मुझे पता है AOC इज एंगल एट सेंटर और ये वाला जो एंगल है ना ABC ये एंगल एट सर्कमफेरेंस है, तो AOC मैंने कैसे फाइंड किया, मुझे पता है कि AOT जो है ना ये ग्रीन वाला जो एंगल है AOT ये 90 माइनस एक्स के बराबर है, और चूंकि ये 90 माइनस एक्स है तो ये जो ब्लैक वाला है ये भी 90 माइनस एक्स होगा, तो ये हो जाएगा 2 times 90 माइनस एक्स, तो ये 2 times 90 माइनस एक्स हो गया। अब ये है एंगल एट सेंटर और ये है एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंगल एट सेंटर डबल होता है एंगल एट सर्कमफेरेंस, अगर मुझे एंगल एट सर्कमफेरेंस चाहिए तो मैं एंगल एट सेंटर को 2 से डिवाइड कर देता था, तो मेरे पास एंगल एट सेंटर क्या था 2 times 90 माइनस एक्स, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये एंगल आ गया ABC, ये जो एंगल है ना ए
बी सी ये वाला एंगल जो है ना ये इसके बराबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी है, ठीक है, ये एंगल ए बी सी है जो मैंने 90 माइनस एक्स फाइंड आउट किया है। अच्छा ये मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स, ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स दैट आर ऑन द सर्कल, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर मुझे ये ब्लैक वाला पता चल जाए ना तो मैं ये रेड वाला बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, 180 में से माइनस करके। तो मुझे ये ब्लैक वाला तो पता चल गया, ब्लैक वाला है 90 माइनस एक्स, तो मैंने क्या करना है, इसको सिंपल माइनस कर लेना है 180 से, तो मुझे ये रेड वाला मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 180 माइनस 90 माइनस एक्स कर लिया। अब ये 90 माइनस एक्स ब्रैकेट में रखना क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये 90 माइनस एक्स करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 90 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 90 प्लस एक्स। तो अब ये रेड वाला एंगल जो है ये 90 प्लस एक्स आ गया है, तो जब ये 90 प्लस एक्स आ गया है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। तो अब मुझे सिंपल इसको 360 में से सिर्फ इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 360 माइनस, 360 में से माइनस कर दूंगा मैं 90 प्लस एक्स, तो 360 में से जब मैं 90 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 360 में से 90 को माइनस किया तो 270 आ गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 270 माइनस एक्स इज द रिफ्लेक्स एंगल ए डी सी। ये रिफ्लेक्स एंगल ए डी सी आ गया, मतलब ए डी सी के बाहर का एंगल आ गया, ए डी सी के आउटसाइड वाला एंगल आ गया। रिफ्लेक्स का मतलब होता है ग्रेटर देन 180, तो ये डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो 180 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर वो कहता है ए डी सी तो मैं फिर ये रेड वाला एंगल फाइंड आउट कर देता, लेकिन उसने बोला रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए डी सी, तो इसका मतलब है कि इसका जो आउटसाइड वाला एंगल है वो मुझे, बाहर वाला जो एंगल है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, वो नॉर्मली 360 में से माइनस करके ही आता है। तो मैंने पहले ये रेड वाला एंगल फाइंड किया, दोबारा देखता हूँ ये रेड वाला कैसे फाइंड आउट किया। उसके लिए पहले मैंने एंगल ए ओ सी फाइंड आउट किया, क्योंकि ए ओ सी इज बेसिकली द एंगल एट सेंटर। ये ग्रीन वाला पार्ट था 90 माइनस एक्स, तो ब्लैक वाला पार्ट भी 90 माइनस एक्स होगा, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, 2 टाइम्स 90 माइनस एक्स। अब चूंकि ये एंगल एट सेंटर है, एंगल एट सर्कमफेरेंस इसका हाफ होता है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो मुझे जो है वो एंगल एट सर्कमफेरेंस पता चल गया, जो एंगल ए बी सी था वो आ रहा है 90 माइनस एक्स। अब ये अगर 90 माइनस एक्स है तो ये जो रेड वाला एंगल है ये इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैंने क्या किया, 180 में से 90 माइनस एक्स को माइनस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 90 प्लस एक्स। अब ये जो रेड वाला एंगल है दिस इज 90 प्लस एक्स, तो ब्लैक वाला कैसे फाइंड आउट करूंगा, सिंपल है, 360 में से इसको माइनस कर दूंगा, तो 360 माइनस 90 प्लस एक्स किया मैंने, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 270 माइनस एक्स। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जल्दी से। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ऊपर इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू इसने मुझे दे दी 35 डिग्रीज, कह रहा है वर्क आउट बी टी, बी टी फाइंड आउट करने कह रहा है, ठीक है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस इसने दे दिया 6, अब कह रहा है बी से लेके टी तक फाइंड करो। अब यहां से डी से लेके बी तक तो डायमीटर है, ओ से बी रेडियस और ओ से डी भी रेडियस, तो अगर ये 6 है तो ये 6 प्लस 6 ये तो पूरा 12 हो गया। अब मुझे ये वाली चीज जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे ये पता चल गई तो मैं 12 में ये ऐड कर दूंगा, मुझे बी टी की लेंथ पता चल जाएगी। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में उसने मुझे एक्स की वैल्यू दी हुई है 35, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके ये जो ओ टी साइड है ये फाइंड कर लेता हूँ, और फिर जो है वो इसको ऐड कर दूंगा 6, इसमें 6 ऐड कर दूंगा क्योंकि ओ बी 6 है, तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड बी टी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो ओ ए टी को जो है ना, ओ ए टी में मैंने इसको ओ ए टी को देखो यहाँ निकाल के बनाया, ये रहा ओ ए टी। अच्छा ओ ए टी में ये रेडियस हो गया 6, ये एंगल हो गया 35 डिग्रीज। अब देखो टी ओ मैंने आर प्लस 6 लिखा है, ये कैसे लिखा मैंने आर प्लस 6, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 है क्योंकि ये रेडियस है, मैंने ये जो एक्स्ट्रा साइड है ना इसको आर लिख लिया, तो ये बन गया आर प्लस 6, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आर प्लस 6 लिख लिया। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, एंगल ये रहा, तो एंगल के सामने वाली साइड हो गई ऑपोजिट, 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी साइड बची है ये हो गई एडजेसेंट। एडजेसेंट उसने मुझे दी नहीं है तो मैं यूज नहीं कर सकता, अब मुझे ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज यूज करना है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है साइन, तो साइन 35 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड है 6 और हाइपोटेन्यूज है आर प्लस 6, तो आर प्लस 6 हो गया।
अब क्योंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या किया, शिफ्टिंग कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर प्लस सिक्स इधर आ गया, साइन 35 यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया। कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया तो मेरे पास आर प्लस सिक्स की वैल्यू आ रही थी, 6 डिवाइडेड बाय साइन 35 करूंगा तो आंसर आएगा 10.46। ठीक है, तो अब ये जो R प्लस सिक्स है ना, ये R प्लस सिक्स ओ टी है, तो ओ टी इसका मतलब मेरे पास कितना आ गया, ओ टी की जो लेंथ है वो मेरे पास आ रही है 10.46। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे ओ टी नहीं चाहिए थी, मुझे बी टी चाहिए थी। अब मैं देखता हूँ फिगर में कि भाई अब कितना मुझे जो है वो इसमें ऐड करना है, ओ टी आ रहा है 10.46, तो ओ से लेके टी तक आ रहा है 10.46, तो ओ बी कितना है, ओ बी तो रेडियस है, रेडियस कितना है 6, तो मैं क्या करूँगा 10.46 में 6 को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दैट विल बी 16.46। तो द लेंथ ऑफ बी टी इज कमिंग आउट एज 16.46 सेंटीमीटर।